बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीजन है, तो हमने सोचा क्यों ना आज स्ट्रॉबेरीज से कोई मजेदार सी डिश बनाई जाए जो कि बच्चों बड़ों सभी को पसंद आए और हमारे लिए खाने के बाद स्वीट डिश का भी काम दे। तो लीजिए, आज हम आपके लिए स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे और उससे बने स्ट्रॉबेरी जैम बंस भी बनाएंगे। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए हम 6 कप मैदा एक बोल में डालेंगे। दो टेबलस्पून ईस्ट डालेंगे, 1/4 कप शक्कर डालेंगे, 2 टीस्पून नमक डाला, 6 टेबलस्पून मक्खन डाला, 2 अंडे डाले और 2 कप नीम गरम दूध डालकर आटे को गूंद लेंगे। अब डो को एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। एक टेबलस्पून ऑयल डालकर ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम प्लास्टिक रैप से कवर करके 1.5 घंटे के लिए राइस होने को रख देंगे। जब तक हमारी डो राइज हो रही है, उतनी देर में हम स्ट्रॉबेरी जैम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज 350 ग्राम। हमने साफ करके फ्रीज की हुई थी, इसको थोड़ी देर बाहर रखकर नरम कर लिया है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसके अंदर 1/2 लेमन का जूस डाल दिया। थ्री फोर्थ कप शक्कर डाली और मिक्स कर लिया। अब इसको एक पतीली में डालकर चूल्हे पर मीडियम हाई फ्लेम पर 20 मिनट पका लिया। स्ट्रॉबेरीज नरम हो चुकी हैं और जैम गाढ़ा हो चुका है। इसको इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आप अगर प्लेट में निकालें तो ये गिरे नहीं, यानी एक जगह ठहर जाए। अब इसको ठंडा करके एयर टाइट जार में निकाल लेंगे। इसको बनाकर लंबे अरसे तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। हमारी डो राइज हो चुकी है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। एक छोटी सी रोटी बेलकर इसमें 1 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी जैम डाला और एक पोटली की शक्ल देकर दोबारा गोल बन की तरह बना दिया। अब एक बोल को ग्रीस कर लेंगे। इसको बेकिंग डिश में थोड़े थोड़े फासले पर रख दिया और एग वॉश कर लिया। उसके बाद बन को राइज होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। जब हमारे बन राइज हो जाएं, तो इनको प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पर 45 मिनट्स के लिए बेक कर लिया। इसको ओवन से निकालकर शहद से ब्रश कर लिया। और ऊपर से नारियल पाउडर छिड़क दिया।
ये देखें कितने फ्लफी और मजेदार बन तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बन जरूर पसंद आएंगे और आप इनको जरूर ट्राई करेंगे। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।